हेलो फ्रेंड्स। सो फाइनली टीवीएस ने अपनी सबसे प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक RR 310 को लॉन्च कर दिया है इनर मार्केट में, और इसकी प्राइसिंग रखी गई है एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से 2,40,000 रुपये, 20,000 रुपये की इंक्रीज़ हुई है प्राइस में। इसकी जो मैसेज चेंज किया गया है इसके स्पीडोमीटर में किया है, फुली TFT डिस्प्ले दिया गया है, फुली कलर्ड, और इसमें एग्जॉस्ट कनेक्टिविटी सिस्टम आता है, 4 राइडिंग मोड्स भी आते हैं, अर्बन, रेनिंग, रेसिंग और ट्रैक मोड। सारे इन्फॉर्मेशन इस डिस्प्ले में मिलता है, फ़ोन में जो कॉल आएंगी, मैसेज आएंगी, सब कुछ इसमें दिखाएगा। टर्न बाई टर्न नेविगेशन सिस्टम भी इसमें दिया गया है। जो राइडिंग मोड्स है, हर राइडिंग मोड पे थ्रॉटल रिस्पॉन्स और इंजन के बिहेवियर अलग है। थ्रॉटल में हमें मिल जाता है राइड बाई वायर की सिस्टम, मतलब कि ये एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है, और पहले की तरह जो केबल सिस्टम होता है नॉर्मल बाइक्स में वो हटा दिया गया है, जिसकी वजह से जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो काफ़ी क्विक हो गया है वो, और काफ़ी रिस्पॉन्सिव हो गया है, जैसे कि KTM की 390 RC और 390 ड्यूक है वैसे ही। इंजन की पावर थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है और रिफाइन किया गया है, इंजन की क्वालिटी सुधार दिया गया है, और जो टायर है बाइक में, टायर यूज़ किया गया है मिशेलिन के रोड 5 टायर, जो कि केवल कंपनियां अपने हाई एंड सुपर बाइक्स में देती है, जो कि ट्रैक में भी चलती है, और इनकी कॉस्टिंग होती है सुपर बाइक्स में 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में। अभी ये स्मॉलर सीसी सेगमेंट की बाइक है, इसलिए जो टायर है उसकी डिज़ाइन और इसकी प्रोफाइल और इसकी जो बजट है उसको भी लिमिटेड रखा गया है, इसीलिए इसकी जो प्राइस है उतनी इंक्रीज नहीं हुई है। पर 300 CC के अंदर इंडिया में पहली बार मिशेलिन के रोड का टायर किसी कंपनी अपनी बाइक में दे रही है, और ये जो बाइक है वो फुल्ली लोडेड ट्रैक मशीन बन चुकी है अभी, पहले की तरह नहीं रही अब, और जो 300 CC कैटेगरी में जो सारे बाइक्स आते हैं उनसे काफ़ी आगे निकल गई है। सिंगल सिलेंडर मोटर की मैं बात कर रहा हूँ, इंजन वही सेम है, बस इसकी जो पावर है उनको थोड़ा सा मैनेजेबल और थोड़ा सा जो मोड्स है उनके अंदर दिया गया है। कॉस्मेटिक चेंजेस कुछ भी और ज़्यादा नहीं किए गए हैं, 2 कलर्स में आएगी, एक ग्रे कलर में, डायमंड ग्रे जिसको कह रहे हैं, और एक पहले वाले ही रेड कलर में, और ज़्यादा कुछ मॉडल में चेंज नहीं किया गया है, यही सारे चेंजेस थे इस बाइक में। और इंक्रीज़ जो हुआ है प्राइस वो मुझे काफ़ी वर्थ लगता है, क्योंकि जो डिस्प्ले, राइडिंग मोड्स और टायर दिया गया है, और इसके साथ साथ जो राइड बाई वायर मतलब जो टेक्नोलॉजी दी गई है थ्रॉटल में, वायर सिस्टम वो काफ़ी अच्छा दिया गया है, लुक काफ़ी अच्छी लग रही है, और यही सब चीज़ों की कमी थी इस बाइक में जो कि अब फुलफिल कर दिया है TVS ने। अगर आप लेना चाहते हैं तो प्री बुकिंग कर सकते हैं 5,000 रुपीज़ देकर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए आए हैं तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी सेफ, राइड सेफ।